तो नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। तो इंदौर से लेकर मनमाड़ की रेल लाइन का मुद्दा इसमें बढ़िया चल रहा है दोस्तों, क्योंकि सर्वे वगैरह का कार्य करवाया जा रहा है, मिट्टी के सैंपल लिए जा रहे हैं, नदी में ब्रिज बनाना है तो उसका सर्वे रिपोर्ट लिया जा रहा है, तो तमाम चीज़ें जो है की जा रही है। फिलहाल मैप मैं ला चुका हूँ और मैप के माध्यम से समझाए जाने फिलहाल हम लोग मैप के माध्यम से समझेंगे सारी अपडेट। तो देखिए भाई, इंदौर का है, आप लोग देख सकते हैं, इंदौर से अभी समय काफ़ी सारी लाइनें निकल रही है, इंदौर दाहोद, इंदौर अलीराजपुर, इंदौर मनमाड़, और फिर इंदौर के आगे से देखेंगे तो आपको एक और लाइन मिल जाएगी जो कि खंडवा वाला सेक्शन है, जो कि दोस्तों यहाँ पर ओमकारेश्वर वगैरह का जो सेक्शन है। अब इंदौर के फिर डॉक्टर अम्बेडकर नगर तक तो गाड़ी चल रही है। अब डॉक्टर अम्बेडकर नगर से आप देखेंगे तो हमारी लाइन भी तो निकलती है डॉक्टर अम्बेडकर नगर से ही, मगर दोस्तों ये जो कनेक्ट हो रही है आप देखेंगे ना, सीधा आ जाता है भाई या नरदाना में, फिर धूले के पास में कनेक्ट हो रही है, फिर सीधा निकल जाती है मनमाड़। अभी इस लाइन का आप महत्व इस प्रकार से समझिए कि अगर इसका बन जाती है ना ये लाइन, तो आपको सीधा जो है दोस्तों खंडवा नहीं जाना पड़ेगा, खंडवा से भुसावल नहीं जाना पड़ेगा, सीधा आप जो है ना दोस्तों खंडवा भुसावल ये 40 गाँव नहीं जाना पड़ेगा, आप सीधे मनमाड़ चले जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिस पर रेलवे को सोचना चाहिए और जल्द से जल्द इस लाइन्स को पूरा भी करवाया जाना चाहिए। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में इस पर कुछ हुआ ही नहीं है, तो सॉइल सैंपल और सर्वे में काफ़ी समय तो दोस्तों इसी में चला जाएगा। अगर आप देखेंगे इस लाइन का महत्व, अगर आपको अभी जाना है दोस्तों मनमाड़, तो आपके लिए जो रूट्स मिलता है वह इंदौर से आप इस रास्ते से भी जा नहीं सकते। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी काम चल रहा है, तो इंदौर से लेकर सबसे पहले या तो आप दोस्तों भोपाल चले आइए, फिर भोपाल से आप इटारसी आइए, इटारसी से खंडवा जाइए, खंडवा से भुसावल होते हुए आप मनमाड़ चले जाइए, एक सेक्शन आपको यह मिलता है। दूसरा सेक्शन यह मिलता है कि इंदौर से आप चले आइए भर रतलाम, रतलाम से आइए वडोदरा, वडोदरा से सूरत, और सूरत से वापी होते हुए आप कल्याण के रास्ते मनमाड़ जाइए। लेकिन एक तरीके से तो रूट काफ़ी लंबा है और बीच के रास्ते को यहाँ पर कुछ मिलने वाला भी है नहीं, तो अभी इसके लिए इस रूट को जो है रेडी करवाया जा रहा था कि भाई कम से कम रूट जो है कनेक्ट हो सके। अब तो आप देखिए, मैं जोर जूम करूँगा ताकि छोटे छोटे चीज़ें भी मैं क्लियर कर सकूँ, बाद में मैं फ़िलहाल मैप दिखाऊंगा, मैप के माध्यम में दूसरी चीज़ दिखाऊंगा। तो आप देखिए कि मैंने जूम कर लिया हो, ये आपको जो जितना भी यहाँ पर ये दिख रहा है दोस्तों, ये ग्रीन कलर का ये सब पूरे एरिया दिख रहे हैं ना, ये सब है पहाड़ी एरिया, और यहाँ पर जो है टनल्स वगैरह भी बनाई जाएगी। अगर आप मैं आप लेंथ वगैरह देखिए तो नरदाना के पास से डॉक्टर अम्बेडकर नगर, तो भाई डॉक्टर अम्बेडकर नगर तो ये रहा। अब नरदाना की बात कर लो तो नरदाना को भी हमने आपको दिखा देते भाई, नरदाना रहा ना ये, तो नरदाना से लेकर डॉक्टर अम्बेडकर नगर की दूरी हो जाती है 94 किलोमीटर की, जो कि सेक्शन इतना लंबा सेक्शन है। और फिर नरदाना से लेकर पहले जो है दोस्तों बोर विहार को जोड़ा जाएगा, फिर बोर विहार के आगे जो है कनेक्ट किया जाएगा मनमाड़ के पास में। अब देखिए मैं थोड़ा और जूम करूँगा ताकि चीज़ थोड़ा क्लियर हो सके। अब ये देखिए आप लोग, बोर विहार से नरदाना आपको आ जाता है लगभग 46 किलोमीटर का सेक्शन, नरदाना रहा और ये आ जाता है बोर विहार, तो ये 46, और फिर बोर विहार से लेकर ना सीधा मनमाड़ के जोड़ना है तो वह 79 किलोमीटर का सेक्शन। तो कुछ इस प्रकार का सेक्शन है, इसको जोड़े जाने से काफ़ी कुछ अहम चीज़ें जो है हो सकती है, और इसको जुड़ जाने से ना दोस्तों बीच के जो रूट से उनको नया वैकल्पिक मार्ग भी जो है मिल जाएगा। तो फिलहाल इसको जोड़े जाने का प्रयास किया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं इस रेल लाइन को, इस रेल लाइन के जुड़े जाने से कितना महत्वपूर्ण फायदा जो है यहाँ के लोगों को मिलने वाला है। अभी जानते हैं इसकी अपडेट क्या चल रही है। तो अभी हाल ही में यहाँ पर दोस्तों खुद सांसद पटेल जी के द्वारा इसका मुद्दा जो है उठाया गया, और इस मुद्दे में काफ़ी सारी चीज़ें जो है बताई गई थी, और इसको लेकर काफ़ी सारे बातें भी हुई है, क्योंकि सांसद पटेल ने लोकसभा में रेल मंत्री से प्रश्न भी पूछा है, जिसमें इंदौर मनमाड़ रेल लाइन आखिरकार कब तक जो है ज्वाइन हो जाती है, इसको लेकर काफ़ी सारी बातचीत जो है वहाँ पर करवाई गई है। और बता दूँ कि इसका सर्वे भी अलग अलग रूट पर अलग अलग लेवल पर जो है करवाया जा रहा है, और जो सर्वे की रिपोर्ट है वह काफ़ी बार पहुँची है दोस्तों, और काफ़ी बार अभी पेंडिंग पड़ी हुई। बता दूँ कि धार मऊ सांसद छतर सिंह जी ने यहाँ पर इंदौर धूले मालेगांव मनमाड़ ये जो रेल लाइन है दोस्तों, वहाँ पर परियोजना को यहाँ पर उन्होंने काफ़ी कुछ किया है इसके लिए, और साथ ही साथ में मलवान में 6 किलोमीटर और
मानपुर में 16 किलोमीटर के यहाँ पर सुरंग भी बनने वाली है, जिसको लेकर सर्वे वगैरह भी करवाया जा चुका है। उसके अलावा यहाँ पर बजट भी इस साल जो है उसको मिला था इस रूट को, और नेक्स्ट ईयर इसका बजट जो है बढ़ाए जाने पर बातचीत भी की जाएगी, और इसके जुड़ने से काफ़ी कार्य बेहतर हो जाएगा। बता दो कि नर्मदा नदी पर दोस्तों सर्वे करवाया गया, जो कि पिछले महीने ही संपन्न हो गया, लगभग जो कि लगभग 15 दिन चला था, और जो सर्वे कार्य था काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। और इसको लेकर अभी जो रेलवे का डिपार्टमेंट है दोस्तों यहाँ पर काफ़ी कुछ कर रहा है, क्योंकि पटरी डालने का काम बता दूँ कि यहाँ पर कुछ हिस्सों में किया जा चुका है। और साथ ही साथ में यहाँ पर मनोज मराठे जी ने इस लाइन को लेकर दोस्तों काफ़ी कुछ किया है, जो कि फ्यूचर में यह जो रेल लाइन इसको ज्वाइन करना है। और मनमाड़ धुले मालेगांव और दोस्तों यहाँ से ये जो पूरी रेल लाइन है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर तमाम तरह की जो अपडेट से लगातार जो है आ रही। फिलहाल मौजूदा समय में सर्वे का वर्क जो है करवाया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए बताते चलूँ कि इंदौर मनमाड़ की तकरीबन 339 किलोमीटर लंबी यह परियोजना है, और इस खंड में अभी दोस्तों सर्वे वर्क अच्छे से करवाया जा रहा है। निर्दाना से सिदांबा और सेदमा से जुलवानिया तक का सर्वे पूरा हो चुका है, और जो कि पुणे की कंपनी के द्वारा जो है किया गया। आसपास की मिट्टी का प्रयोग किया गया सर्वे के लिए, जहाँ बड़े छोटे पुल है इसको भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये जो रूट है आने वाले समय में पूरा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय एवरीबॉडी।